हजरत आशूरा, जिसके मुतालिक उलमा ने लिखा है कि हदीस कुदसी। तो ज्यारत आशूरा के ऊपर भी एक आजकल एक हमला है, और ऐसे अफराद के जिनके दिलों में दुश्मनान अहले बैत के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है या जो प्लांट किए गए हैं शियत के अंदर, उनकी तबह नाजुक पर इस ज्यारत आशूरा में दुश्मनान अहले बैत पर जो लान है वो बहुत बार और शाख गुजरने लगी कि क्यों उनके ऊपर लान की जाती। तो देखिए, जैसे कि अभी आपसे कहा कि हदीस कुदसी शुमार किया है इसको उलमा ने। देखिए, वैसे तो ज्यारत आशूरा आशूर के रोज पढ़ने की ज्यारत है, लेकिन दिन और रात में उलमा ने लिखा है कि दिन और रात में किसी भी वक्त इस ज्यारत को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इंतहाई मुजर्रब है, खासतौर पर हाजात वगैरह की कबूलियत के लिए। और बाकायदा आयतुल्ला बहजत से मंसूब एक उनका एक ख्वाब है, जिसको बाकायदा तौर पर मैंने किसी किताब वगैरह के अंदर तो नहीं देखा है, लेकिन उनसे एक बहुत शोहरत दी जाती है कि उन्होंने अपने उस्ताद आयतुल्ला अली आका काजी को ख्वाब में देखा था। तो पूछा था कि क्या कोई आपके दिल में ऐसी हसरत है कि मैं दुनिया में वापस अगर आ जाऊं तो कौन सा काम मैं ऐसा हो कि जो रोजाना अंजाम दूं जिसको। तो उन्होंने कहा, एक हसरत है, काश मैं इस दुनिया में आकर रोजाना ज्यारत आशूरा पढ़ा करता। और बयान कर दिया जाए कि जो 100 लान और 100 सलाम है, क्या इसमें इख्तसार किया जा सकता है? लोग कहते हैं तो बहुत मुश्किल है, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं। तो उलमा फरमाते हैं, रिजाए मतलूबियत की नियत से इसको मुख्तसर भी पढ़ सकते हैं, इख्तसार भी कर सकते हैं। अलबत्त एक तरीका हमारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने बताया, फरमाते एक मरतबा तो कामिल लान पढ़ ली जाए, लान जरा तवील है, तो एक दफा तो मुकम्मल पढ़ लें, और उसके बाद 99 दफा 99 दफा अल्लाहुम्मल अनहुम जमिया ये पढ़ लें। 99 दफा पूरी लान पढ़ने के बजाय 99 दफा ये आप कहें अल्लाहुम्मल अनहुम जमिया। खुद इमाम ने तरीका बताया। और एक मरतबा पूरा कामिल सलाम पढ़ लें, और उसके बाद 99 बार पूरा सलाम पढ़ने के बजाय ये कहें अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। तो इस तरह पूरे 100 लान और 100 सलाम का सवाब मिल जाएगा। अलबत्ता किसी के पास ये वक्त भी नहीं है तो एक लान और एक सलाम पर भी इक्तफा कर सकता है रजाए मतलूबियत की नियत से। एक खवातीन एक चीज और भी पूछती हैं कि ज्यारत आशूरा वगैरह के जो अमल होते हैं 40 रोज के कुछ, तो उसमें हमारे माहाना आदत की वजह से कुछ वक्फे आ जाते हैं, तो उनको इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, और उस हालत में भी ज्यारत आशूरा पढ़ी जा सकती। अलबत्त सिर्फ नमाज ज्यारत जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी, वरना इसमें सिजदा भी किया जाएगा, दुआएं और अस्कार भी पढ़े जा सकते हैं, खुद ज्यारत आशूरा भी निजासत की हालत में पढ़ी जा सकती है।